अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम जा रहे हैं जी फिरोज़ के घर। मैंने कोई सरप्राइजिंग टूर नहीं रखा और मैंने ये नहीं कहा कि जी आज आपके लिए सरप्राइज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि हम फिरोज़ वगैरह के घर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने नया घर बनाना स्टार्ट किया है, तो उसकी मुबारकबाद के लिए हम मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स से गाड़ी में बैठ के ही बात कर लूँ, और ताकि मेरी ये वीडियो, मेरा ये मैसेज आप तक पहुँचेगा, तो फिर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे वो हमारी होगी कि निशा और फिरोज़ के साथ होगी, और उनके घर, नया घर भी देखेंगे, मतलब जो भी बन रहा है। बना तो नहीं है, तो अभी बन रहा है। और बस वैसे आज वेदर काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट है क्योंकि सर्दियों की धूप निकली हुई है, लेकिन थोड़ी ठंडी ठंडी सी धूप है, जैसे कहते हैं ना कि मीठी मीठी सी धूप है, तो उसी तरह से है धूप, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये रास्ते में शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, दिखाते हैं आपको। अच्छा, वो गाड़ी ख़राब थी, मैंने सोचा अल्लाह रहम करे कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये क्या है, क्योंकि लोग इकट्ठे हुए थे और गाड़ी जो है वो नीचे को झुकी हुई थी काफ़ी ज़्यादा ना, तो बस मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि लोग ज़्यादा थे और हम लोग स्पीड से ही गुजर गए पास से। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर मुसाफिर खैर खैरियत से सफ़र करे, ठीक है जी। रास्ते का व्यू भी आपको दिखाते हैं, आपसे शेयर करते हैं, और हम भी सफ़र इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से जी गाड़ी का पंगा मैंने खुद ले लिया है, नहीं वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ड्राइवर हूँ, पंगा नहीं लिया बल्कि खुद ड्राइव की, और बहुत मज़ा आया सफ़र करते हुए। आप लोग भी इंजॉय करें, आप लोग भी देखें, मज़ीद क्या कहूँ। बहरहाल मेरी वो बहनें जो गाड़ी चलाने से बिल्कुल डरती हैं या परेशान होती हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हों, कॉन्फिडेंटली ड्राइव करें। खुद ड्राइव करने की बात ही कुछ और होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है खुद ड्राइव करते हुए सफ़र करना। तो इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं, मैंने खुद ड्राइव करके जाना है, तो जी आप लोग भी इंजॉय करें।
ये जी हम पहुंच चुके हैं फिरोज़ के गांव, जो कि हमारा भी गांव है। और ये देखिए हरे भरे खेत नज़र आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत सीन है।